हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी में। आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ वो वीडियो है नॉर्मलाइजेशन के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल जितनी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स हो रही है उन सभी एग्ज़ाम्स में नॉर्मलाइजेशन एक आम बात हो गई है। तो नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, क्यों होता है और कैसे होता है, यह हम इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। बहुत से स्टूडेंट ये सोचते हैं कि जब मैंने पेपर दिया था तो मेरे 80 नंबर आ रहे थे और नॉर्मलाइजेशन के बाद रिजल्ट देखा तो 65 या 70 नंबर आ रहे हैं, तो ऐसा क्यों होता है। देखिए, आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत सारे कैंडिडेट्स एक ही एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करते हैं और आजकल ऑनलाइन एग्ज़ाम भी होने लगे हैं। तो जो डिपार्टमेंट ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है उनके पास इतनी ज़्यादा संख्या में कंप्यूटर और इतना मैनेजमेंट नहीं हो रहता है कि वो एक ही दिन में सभी कैंडिडेट की एग्ज़ाम ले सके। तो इसके लिए वो क्या करते हैं कि वो एक से ज़्यादा शिफ्ट में या एक से ज़्यादा दिन में एग्ज़ाम लेते हैं। एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझिए, मान लीजिए कि रेलवे है, उसने कोई वैकेंसी निकाली तो हम मान लेते हैं कि इस वैकेंसी में 132,000 कैंडिडेट ने अप्लाई किया। तो रेलवे ने क्या किया कि जितने भी कैंडिडेट थे उन कैंडिडेट को चार शिफ्ट में डिवाइड कर दिया। तो पहली शिफ्ट में 40,000, दूसरी शिफ्ट में 40,000, तीसरी में 32,000 और चौथी में 20,000 कैंडिडेट आए। तो मान लीजिए कि शिफ्ट एक में कोई पेपर आता है, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा कि जो पेपर आएगा वो सभी शिफ्ट में एक ही रहेगा, सभी पेपर अलग अलग रहेंगे। तो मान लो कि कोई शिफ्ट में एक पेपर आया, वो पेपर उसका लेवल जो था वो ईजी था। इसके बाद सेकंड शिफ्ट में जो पेपर आया उस पेपर का लेवल जो था वो हार्ड था और थर्ड शिफ्ट का जो पेपर रहा है वो मीडियम पेपर रहा है। तो इसके लिए रेलवे क्या करेगा कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस का उपयोग करेगा। तो कैसे उपयोग करेगा, देखिए इस वीडियो में। तो सबसे पहले वो क्या करेंगे कि एवरेज ऑफ टोटल कैंडिडेट, जितनी भी शिफ्ट हुई है उनमें जितने भी टोटल कैंडिडेट है उन सबका एवरेज निकालेंगे। उसके बाद सेकंड नंबर पर क्या करेंगे कि एवरेज ऑफ टॉप 0.1% कैंडिडेट, जितनी भी टोटल शिफ्टें हुई है उन सब शिफ्टों में 0.1% कैंडिडेट जो रहेंगे उनका एवरेज निकालेंगे। उसके बाद थर्ड नंबर पे एवरेज ऑफ टोटल कैंडिडेट स्पेसिफिक शिफ्ट, मतलब अपने को जिस शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन मार्क निकालने हैं उस शिफ्ट के टोटल कैंडिडेट का एवरेज निकालना है। उसके बाद अपने को क्या करना है कि एवरेज ऑफ टॉप 0.1% कैंडिडेट स्पेसिफिक शिफ्ट, मतलब जो अपनी शिफ्ट रहेगी उस शिफ्ट के 0.1% कैंडिडेट का, टॉप में जो 0.1% कैंडिडेट आएंगे उनका अपने को एवरेज निकालना है। मान लीजिए कि टोटल जो 132,000 कैंडिडेट है उन 132,000 कैंडिडेट का एवरेज 30 आ रहा है, मतलब 30 मार्क जो है वो एवरेज मार्क से सभी के मिला के। और सेकंड नंबर पर जो हम देखते हैं कि वो है एवरेज ऑफ टॉप 0.1% कैंडिडेट्स आल शिफ्ट, जो सभी शिफ्ट है उन सभी शिफ्टों में से जितने कैंडिडेट थे उनके 0.1% कैंडिडेट लेना है। तो टोटल थे अपने पास 132,000, तो उसमें से अपन ने 0.1% लिए तो 132 कैंडिडेट हुए। तो 132 कैंडिडेट के जो टॉप 132 कैंडिडेट है उनके अपनों ने मान लिया कि 80 मार्क उनके आ रहे हैं एवरेज मार्क्स। उसके बाद थर्ड नंबर पर जो है एवरेज ऑफ टोटल कैंडिडेट्स स्पेसिफिक शिफ्ट, तो जो अपनी शिफ्ट है, मान लीजिए कि अपनी शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट थी, तो फर्स्ट शिफ्ट में जो है कैंडिडेट के टोटल कैंडिडेट के एवरेज मार्क्स जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं 35 मार्क। अब फोर्थ लाइन पर लिखा हुआ है कि एवरेज ऑफ टॉप 0.1% कैंडिडेट्स स्पेसिफिक शिफ्ट, तो जो अपनी शिफ्ट थी शिफ्ट फर्स्ट, उस शिफ्ट फर्स्ट में जो टॉप 0.1% कैंडिडेट है, जैसे कि उस फर्स्ट शिफ्ट में 40,000 कैंडिडेट थे, तो 40,000 कैंडिडेट में से जो टॉप 0.1% मतलब कि 40 कैंडिडेट जो है उन 40 कैंडिडेट के अपने को एवरेज मार्क्स निकालने हैं। तो 40 कैंडिडेट के एवरेज मार्क्स अपनों ने मान लिए कि 90 है। तो टोटल जो कैंडिडेट थे फर्स्ट शिफ्ट में उनके एवरेज मार्क्स तो 35 है और 40 जो कैंडिडेट है उनके एवरेज मार्क्स जो है वो 90 है। तो अब हम देखते हैं नॉर्मलाइजेशन मार्क्स निकालने का फार्मूला। तो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स निकालने का जो फार्मूला है वो है एवरेज ऑफ टॉप 0.1% कैंडिडेट्स आल शिफ्ट माइनस एवरेज ऑफ टोटल कैंडिडेट्स आल शिफ्ट अपॉन एवरेज ऑफ टॉप 0.1% कैंडिडेट्स स्पेसिफिक शिफ्ट
माइनस एवरेज ऑफ टोटल कैंडिडेट्स स्पेसिफिक शिफ्ट इनटू एक्चुअल मार्क्स ऑफ कैंडिडेट माइनस एवरेज ऑफ टोटल कैंडिडेट स्पेसिफिक शिफ्ट प्लस एवरेज ऑफ टोटल कैंडिडेट ऑल शिफ्ट। मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है, उसका फर्स्ट शिफ्ट में पेपर था और फर्स्ट शिफ्ट में उसके जो नंबर आए हैं वो 60 नंबर आए हैं। तो इस सूत्र के माध्यम से अपन इस फार्मूले में वैल्यू रखेंगे और फार्मूले में वैल्यू रख के उसके नॉर्मलाइजेशन मार्क्स निकालेंगे कि उसके कितने नंबर नॉर्मलाइजेशन के बाद आ रहे हैं। तो फार्मूला देखिए, एवरेज ऑफ टॉप 0.1% कैंडिडेट्स। तो एवरेज ऑफ टॉप 0.1% कैंडिडेट्स मतलब जितने भी टोटल कैंडिडेट थे उनके 0.1% कैंडिडेट अपने को लेना है। जैसे कि 132,000 कैंडिडेट थे तो 132,000 के जो 132 कैंडिडेट हुए 0.1%, अब उन 132 कैंडिडेट के जो है उन 132 कैंडिडेट के अपने को एवरेज निकालना है। तो उन 132 कैंडिडेट का एवरेज अपन ने माना था कि उन 132 कैंडिडेट का है 80। तो 80 अपनों ने फार्मूले में रख दिया। उसके बाद सेकंड नंबर पर जो है वो है एवरेज ऑफ टोटल कैंडिडेट्स ऑल शिफ्ट। टोटल जितने भी कैंडिडेट थे उन सभी का एवरेज, तो उन सभी का एवरेज अपन ने मान लिया कि उन सभी का एवरेज जो है वो 30 है। ये अपन ने यहाँ पर लिखा था कि 30 है, तो उन सभी का एवरेज जो है वो 30 है। अब अपने को सेकंड नंबर पर अपन निकाल रहे हैं फर्स्ट शिफ्ट का। तो फर्स्ट शिफ्ट में एवरेज ऑफ टॉप 0.1% कैंडिडेट्स स्पेसिफिक शिफ्ट, मतलब फर्स्ट शिफ्ट में जो सबसे टॉप 0.1% कैंडिडेट आए हैं। जैसे फर्स्ट शिफ्ट में 40,000 कैंडिडेट थे तो 40,000 कैंडिडेट में से 40 कैंडिडेट जो टॉप के कैंडिडेट है उनके अपने को एवरेज निकालना है। तो उनका जो एवरेज है वो अपन ने मान लिया कि 90 था। उसके बाद उनके एवरेज ऑफ टोटल कैंडिडेट्स स्पेसिफिक शिफ्ट, तो फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी टोटल कैंडिडेट थे उनके अपन ने मान लिया है कि 35 नंबर आ रहे हैं सारे कैंडिडेट के। 40,000 जो कैंडिडेट है उन 40,000 कैंडिडेट के एवरेज मार्क्स जो आ रहे हैं वो 35 मार्क्स आ रहे हैं। उसके बाद एक्चुअल मार्क्स ऑफ कैंडिडेट, तो कैंडिडेट के कितने नंबर आए हैं। तो कैंडिडेट के नंबर अपन ने माने थे कि कोई स्टूडेंट है जिसके 60 नंबर आए हैं तो 60 इसकी जगह लिख दो। उसके बाद माइनस करके एवरेज ऑफ टोटल कैंडिडेट, तो टोटल कैंडिडेट जो उस शिफ्ट में थे उनके कितने नंबर आ रहे हैं, तो 60 में से 35 माइनस कर दिया। उसके बाद इस टोटल में प्लस जोड़ना है अपने को एवरेज ऑफ टोटल कैंडिडेट्स ऑल शिफ्ट। जितनी भी शिफ्टें हुई है उन सभी शिफ्ट में मिला के जितने कैंडिडेट्स हैं उन सब के अपने को एवरेज मार्क्स निकालने हैं। और 132,000 कैंडिडेट है तो 132,000 ही कैंडिडेट्स के एवरेज मार्क्स निकलेंगे। और वो एवरेज मार्क्स जो है अपन ने माने थे कि 30 आ रहे हैं तो 30 लिख दो। तो इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 80 माइनस 30 बटा 90 माइनस 35 गुणित 30 माइनस 35 प्लस 30। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 80 में से 30 गए तो 50 बचे और 90 में से 35 गए तो 55 बचे। गुणित 60 माइनस 35, तो 60 में से 35 गए तो 25 बचे प्लस 30, तो 50/55। तो 50/55 को सोल्व करेंगे तो 0.90 आएगा और इसमें गुणा करना है अपने को 25 का प्लस 30 साथ में चल रहा है तो 22.5 होगा प्लस 30। तो 22.5 और 30 अगर जोड़ेंगे तो 52.5। तो इस तरह जिस कैंडिडेट के या जिस भी स्टूडेंट के 60 नंबर आ रहे थे उसके नॉर्मलाइजेशन के बाद 52.5 नंबर आ रहे हैं। तो इस तरह से नॉर्मलाइजेशन होता है। अब ये जो शिफ्ट थी शिफ्ट फर्स्ट, ये फर्स्ट शिफ्ट बहुत इजी शिफ्ट थी, इसमें कैंडिडेट के ज़्यादा नंबर आ रहे थे तो उनके बाद में नॉर्मलाइजेशन का नंबर कम हो गए। और जिसके कम नंबर आ रहे होंगे और अगर उसकी शिफ्ट कठिन है तो उसके ज़्यादा नंबर आ जाएंगे। तो आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आई होगी और नॉर्मलाइजेशन के बारे में आपने इस वीडियो के माध्यम से समझ लिया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।